आंवले का अचार इस तरीके से बनाने से एक साल तो क्या चार साल भी खराब नहीं होगा, चाहे तो आप इसे प्लास्टिक के डिब्बे में ही क्यों ना रखें। बस कुछ टिप्स को फॉलो करना है जिससे कि अचार खराब ना हो। मैं हूँ संगीता, कुक विद संगीता में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम अचार को बनाना शुरू करते हैं। आधा केजी आंवला मैंने यहाँ पे लिया है, अच्छे से धोकर मैंने इसे साफ कर लिया है। पका हुआ और एकदम फ्रेश आंवला है ये। अचार बनाने के लिए हमें पके हुए आंवले का ही इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अचार खराब ना हो। अच्छे से धो लेने के बाद हम इसे एक जाली वाली थाली के ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। अब मैं इसे पानी के भाप में पकाऊंगी। तो मैंने गैस पर एक पतीले में पानी उबलने के लिए रख छोड़ा था, उसी के ऊपर हम आंवले वाला थाली रखेंगे और फिर कवर करके हम इसे कुक करेंगे। 10 मिनट में ही आंवला अच्छे से पक चुका है। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसके बीज निकाल लेंगे और बड़े ही आसानी से इसका बीज निकल जाएगा और इस तरीके से फांके भी बन जाएंगे अचार के लिए। सारे आंवले से बीज निकाल कर हम इसे अलग कर लेंगे और इन फांकों को हम 4 से 5 घंटे के लिए धूप में रखेंगे। यदि आपके यहाँ धूप नहीं आती है तो पंखे के हवा में ही इसे पूरे रात के लिए रख छोड़िएगा, ताकि आंवले में जो थोड़ा नमी है, पानी है, वो सूख जाए। और जब तक ये सूख रहा है हम मसालों को तैयार कर लेंगे। गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई में 3 चम्मच धनिया के बीज डालेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ही हम मेथी दाना भी डालेंगे। कढ़ाई वाले चम्मच से मैंने सारी चीज़ों को डाला है। 8 से 10 सूखी लाल मिर्च डालकर लो फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे। जब मसाले थोड़ा भून जाए और इससे अच्छी सी खुशबू आने लगे तब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच ही कलौंजी, साथ ही 4-5 चम्मच पीला सरसों। इन सबको हम सिर्फ 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे लो फ्लेम पर और लगातार चलाते हुए भूनेंगे ताकि मसाले जले नहीं। 1/2 मिनट के बाद हम गैस को ऑफ करके इसे ठंडा होने देंगे कढ़ाई में ही। फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और वापस से उसी कढ़ाई में डालेंगे 150 से 200 ग्राम सरसों का तेल। तेल को हम एकदम अच्छे से गर्म करेंगे। अचार बनाने के लिए हम सरसों के तेल का ही यूज करेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम गैस को ऑफ करेंगे और जब तेल ठंडा हो जाएगा तो उसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर और मिक्स मसाले जिसे हमने रोस्ट करके ग्राइंड किया था। 4 चाय चम्मच मसाले हम डालेंगे। 1/2 केजी आंवला के लिए 4 चम्मच काफ़ी है। फिर 1 चम्मच सफ़ेद नमक और 2 चम्मच काला नमक, साथ ही हम 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, इसे तीखा नहीं होगा, बस कलर अच्छा आएगा। आंवले का नमी भी सूख चुका है तो अब हम इसे इसी तेल में डाल देंगे मसालों के साथ। एक बार आप इस तरीके से अचार को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। मसालों के साथ हम आंवले को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे 5-7 चुटकी हींग जरूर डालिएगा इस अचार में। मैंने भी डाला है लेकिन वीडियो स्किप हो गया है। हींग से बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है अचार में। अब यदि आपके यहाँ धूप नहीं आता है तो अचार ख़राब ना हो, इसके लिए आप इसमें 4 चम्मच विनीगर डाल सकते हैं। मैं इसे धूप में रखूँगी तो मैंने विनीगर का यूज़ नहीं किया है। अब मैं इसे सिंपल से प्लास्टिक के डब्बे में रख रही हूँ। प्लास्टिक के डिब्बे में रखकर मैं इसे 2 से 3 दिन के लिए धूप दिखाऊंगी। जब आप अचार को धूप में रखेंगी तो ढक्कन को हटा के रखिएगा, फिर ढक्कन लगा लीजिएगा। यदि आप 2-3 साल के लिए अचार रख रही हैं तो डब्बे को बीच बीच में बदलते रहिएगा, यानी जब 7-8 महीने हो जाए डब्बे का तो इस डब्बे से बदलकर इसे दूसरे प्लास्टिक के डब्बे में रख लीजिएगा, क्योंकि प्लास्टिक का डब्बा 6 से 7 महीने तक यूज करने के बाद ख़राब हो जाता है। तो आप भी इस तरीके से यदि अचार को प्लास्टिक के डब्बे में रखेंगी और मेरे बताए अनुसार अचार बनाएंगी तो 4 से 5 साल तक आपका अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप देख सकती हैं कितना बढ़िया अचार बन के तैयार हुआ है, कलर भी कितना अच्छा सा आया है अचार में, देखते ही मुँह में पानी आ जाने वाला अचार है ये। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।